अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। तो ये बोल रहा है कि बीसीसीआई का और पाकिस्तान खुद ही वर्ल्ड कप से आउट हो गया, किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो देखते हैं वीडियो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, माशाल्लाह जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। अगर मैं सोशल सर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। और क्या बोल रहे हैं, क्या उसी पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? हां, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात को बढ़ा दिया। क्या इसी पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने जानी माली कुर्बानियां दी थी? हाँ, हरगिज नहीं। फाइनली इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर हिंदुस्तान से बन चुका है। अब इस टीम को पाकिस्तान जब ये वापस आए ना, ठीक है समरिया, हार जूतों के बनाने चाहिए उधर। ये सब कुछ तो होना था, उन्हीं कहते हैं वो एक दिन पाकिस्तानियों और खास तौर से फिजा खलीफा से पूछना चाहूंगा, सुजी सुजी हलवा पकाए? सुजी हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। इन पाकिस्तानियों की कुदरत का निजाम भी फेल कर गया इनके मुल्क की तरह। टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश भाई, कुदरत का निजाम भी डीएक्टिवेट हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इस टाइम ऑफिशियली तौर पर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऐसी कोई बात नहीं है। बुजदिलों को, नपुंसकों को, डरपोकों को इसी तरीके से बाहर किया जाता है। न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है, लेकिन पहले बैटिंग करके 287 रन से हराना पड़ेगा। अगर बाद में बैटिंग करती है, गजब की ट्रोल हो रहा है, सब कुछ ट्रोल हो रहा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आज उन्होंने पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से किक्ड आउट कर दिया। ये क्रिकेट है, ये अपनी मेहनत से गए भाई, पाकिस्तान से उन्होंने क्या करने लगा है। तुम्हारे बाप की टीम नहीं है, सुन लो सारे, ये पाकिस्तान की आवाम की टीम है। तुमने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाला, लेकिन पाकिस्तानी आवाम तुम सबको छोड़ेगी नहीं भाई। जोर से बोलो बेटे, कैसे मले सारे, दिल खुश हो गया भैया। डरपोक है, डरपोक तो है, ये तुम्हें मानूंगा, एक दो के अलावा मजा आ रहा है, बाकी सारे डरपोक है। कौमी टीम को अब इंग्लैंड के खिलाफ जीतना होगा, वो भी भारी मार्जिन के साथ। एक डबल सेंचुरी कोई मार दे, वाह भाई वाह, फखर जमान डबल सेंचुरी मार दे, बाबर और रिजवान सो सो कर दे, वाह भाई वाह, और पाकिस्तान कुछ 450 रन स्कोर कर दे, वाह भाई वाह, और फिर इंग्लैंड को 150 रन पर आउट करके, तो पाकिस्तान जो है वो मैच 287 रन से 288 रन से बाबर सेंचुरी मारेगा, लेकिन 130 बॉल मार के। तब जाकर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। बोरिया बिस्तर बांध लो, निकलो भैया निकलो। 287 रन से जो है वो पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा तभी क्वालिफाई करेगा, इनके कभी बाप ने बनाया है 287 कभी। अब पाकिस्तान के पास डू एंड डाई के अलावा कोई सूरत हाल नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को कम से कम 130 या 140 रन के मार्जिन से मैच जीतना होगा और लाजमी जीतना होगा। आपका मिकी आर्थर, वी विल प्ले पाकिस्तान वे, तुम्हारा पाकिस्तान वे बढ़ गया। पाकिस्तानियों का भी ना आपको बड़ा मजा आ जाएगा। रोना धोना आपने हमारा सुना होगा, कोलकाता शहर की सड़कों पे दुखी, उदास, परेशान, अपसेट। सेमीफाइनल के चांसेस 287 रन करने हैं भाईजान, जो 287 रन की जीत दरकार है। तो कोलकाता शहर की सड़कें जनाब आपको दिखाते हैं और अपना रोना आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के ताबूत की तबाही की आखिरी कील भी उसमें ठुक गई। हम जिस कुदरत का निजाम का इंतजार कर रहे थे, वो कुदरत का निजाम नहीं था, वो तुक्का था, वो फ्लूक था, वो जाहिलियत थी, वो और कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान की टीम का ढह गया तुम्हारा कुदरत का निजाम। इंडिया इंडिया से मिलाते हैं, इंडिया पाकिस्तान बिग राइवलरी, इंडिया ये न्यूजीलैंड ने अच्छी क्रिकेट, कुदरत के निजाम में फिर वही कहता हूँ, जो अच्छा खेलता है
जो अच्छा करता है ऊपर वाला उसका साथ देता है। पाकिस्तान ने खुद अपने हाथ से अपनी तबाही की। इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की शर्मनाक किस्म की कैंपेन थी पाकिस्तान की, वो फाइनली एंड हो गई। जिस तरह के इन्होंने जो हरकतें की, इंडिया जाके क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ किया। बाबर भाई, आज दुनिया ने हमें आईना दिखाया है, दुनिया की क्रिकेट कहां पर है, हमारी क्रिकेट कहां पर है। अब हम फिर भी ना माने, फिर भी हम अपनी क्रिकेट ना ठीक करें, इंजमाम पीसीबी पे इल्जाम लगाए, पीसीबी इंजमाम पे लगाए, पीसीबी बाबर पे लगाए, बाबर इस पे लगाए, ये क्या था, क्या हमारी क्रिकेट के साथ क्या हुआ? जी हाँ, ये बहुत 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 अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट अगर हम कहें कि ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब अनरियलिस्टिक होगा कि पाकिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सके। और बज़ाहिर हमारी गेम अब भी इस वर्ल्ड कप में ओवर हो चुकी है। वो कुदरत का निजाम नहीं चल सका, वो बेंगलोर की बारिश नहीं चल सकी, वो श्रीलंका अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सका, वो श्रीलंका ने किस्मत हमारी हेल्प नहीं कर सकी, वो मुकद्दर हमारा हेल्प नहीं कर सका, हमारी किसी ने इस वर्ल्ड कप में हमारी किसी ने हेल्प नहीं की है। क्यों? क्योंकि जो अपनी हेल्प नहीं करते उनकी कोई भी हेल्प नहीं करता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हम हारे, जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हम हारे, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 350 रन खा लिए और 305 रन जीतने की पोजीशन में वो मैच था, हमने वो नहीं जीता। और इंडिया के खिलाफ तो अहमदाबाद में हमारे हाथ पांव फूल गए थे। तो ऐसे में कोई आपको चांस नहीं देता अगर आप अपने लिए चांस क्रिएट नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले अपने लिए चांस क्रिएट करना पड़ता है। अब हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए ये है कि जी डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड सबसे नीचे आए, हमारी ये भी सेटिस्फेक्शन है कि श्रीलंका सबसे नीचे आए। तो श्रीलंका का फिर क्रिकेट बोर्ड भी तो फारिग कर दिया गया ना, तो फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड भी फारिग हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड कैसे फारिग होगा? हमारे क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले हाथ खड़े कर लिए थे कि ये इंजमाम और बाबर की टीम है। ये चेयरमैन पीसी भी ज़का अशरफ की स्टेटमेंट है कि ये इंजमाम और बाबर की टीम है। तो इसका मतलब है भाईजान आप फिर क्रिकेट बोर्ड में किस वजह से बैठे हुए हैं? आपका कोई काम नहीं है। आपने एक भी बंदा पाकिस्तान टीम के साथ कोई भी साबित सीनियर क्रिकेटर साथ नहीं भेजा है, जब जो कि इन प्लेयर्स को हेल्प आउट करता। आप वर्चुअल कोचेस हम रख के, वो लैपटॉप कोचेस हम रख के, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के जूम के ऊपर जो कोचिंग करते हैं, हम उनको कोचेस रख के हमने यहाँ पर अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करवाई हुई थी। अब वो वर्ल्ड क्लास बोलिंग हमारी, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, एक तो बुखार नहीं उतरे इनके, बीमारियां नहीं इनकी ठीक हुई है। कितना इन लोगों ने, करोड़ों लोगों के दिल तोड़े हैं पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम ने। और इंडिया में आके इनसे तवक्को की जा रही थी कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन एशिया कप जब श्रीलंका में हो रहा था तो तब लग रहा था कि ये शहजादे जो है ना, ये इनकी कश्ती पार नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपके सीनियर प्लेयर्स के अंदर मसाइल हैं, कप्तानी के बहुत सारे ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, फिर टाइमली कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी शिकस्त, तो ये टूर्नामेंट से जो बाहर हम निकलने जा रहे हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे बॉलर्स हैं। हमारे बॉलर्स ने 270 रन थे अफगानिस्तान के खिलाफ डिफेंडिंग किए, 280 रन के करीब, यही 270-280 रन थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने डिफेंड नहीं किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने कितना स्कोर खा लिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने 400 रन खा लिए। हमारी बॉलिंग दुनिया की एवरेज तरीन बॉलिंग है, जिसको हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहते थे। तो फिर कैसे हम लोग अब ये दरिया क्रॉस करते हैं? ओके, सो ये थी वीडियो जो के रोना धोना शुरू। अब एक हफ्ता यही सब कुछ चलेगा कि क्यों आ रहे, ये बीसीसीआई ने निकाला, ये क्या जेसीआई ने बॉल चेंज किए, पिच बॉल चेंज किए थे, बल्ला चेंज किए थे, और जो है डीआरएस में जो उन्होंने फ्रॉड किया। अब ये सब कुछ चलेगा। मैं एक बात कहूँ, जब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच शुरू था, जब अफगानिस्तान उसके साथ आउट किए थे, तब लग रहा था कि अफगानिस्तान जीत जाएगा, सबको ये, क्योंकि 95% लोग, मतलब वो परसेंटेज वही बता रहे, फेसबुक 95% 5% ऑस्ट्रेलिया के हक में, फेसबुक और इंस्टा पे जो पोस्टें आ रहे थे, ये देखो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वालों ने अफगानिस्तान के बॉलरों को भी ये बॉल दिए है, ये किया है, वो किया है, खुदा को मानो यार, आप लोगों की टीम कमजोर है, आप लोगों की टीम बुजदिल है, खासतौर से जो कैप्टन है, कैप्टन जिम बाबर भाई, आप पाकिस्तानी टीम रन रेट की वजह से बाहर हो रही है, बिल्कुल हांगकांग वाला आजम, युगांडा वाला आजम, वो वजह से कुछ होगा नहीं भाई, वीडियो अगर पसंद आए प्लीज शेयर और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, तो फिर कैसे पॉप मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।